हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब बढ़िया हो? चलो। हाँ जी, अपन ने कल बात की थी, टॉपिक क्या लिया था कल अपन ने? आभासी बल, पीसीडो फोर्स लिया था, ठीक है। उसकी तीन कंडीशन अपन ने कल पढ़ ली थी, ठीक है। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं कि अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? घूर्णन गति में आभासी बल, ठीक है। टॉपिक क्या होगा अपना नेक्स्ट? घूर्णन गति में आभासी बल, ओके। आ जाओ, अब ये क्या बोल रहा है? एन द्रव्यमान का पिंड, क्या कर लेंगे यहाँ पे? एक ले लेंगे अपन एन द्रव्यमान का पिंड। आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में क्या करता है? चक्कर लगाता है। आर त्रिज्या के, ये ले लो, के वृत्तीय पथ में क्या करता है? चक्कर लगाता है। या फिर इसको देखो, अच्छे से बना लो एक बार। ये ले लो जी। यहाँ पे अपन क्या कर देंगे? कोई एम द्रव्यमान का पिंड ले लेंगे, ठीक है। एम द्रव्यमान का पिंड आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में या वृत्तीय पथ में क्या करता है? चक्कर लगाता है। तो ये लो, यहाँ से लेके इसको आर त्रिज्या दे दो, ठीक है। तो उसका कोणीय वेग क्या होगा? ओमेगा है। इसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा? ओमेगा। ये इस साइड क्या हो जाएगा? ये ओमेगा। ये क्या है? ओमेगा। यहाँ पे कोणीय वेग है। ये लो जी, ओके। इस अवस्था में वृत्तीय गति के लिए आवश्यक बल को क्या बोल रहा है? एम द्रव्यमान का पिंड आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में चक्कर लगाता है, तो उसका कोणीय वेग ओमेगा है। इस अवस्था में वृत्तीय गति के लिए आवश्यक बल को, ये जो भी अवस्था होगी या फिर जो भी कंडीशन होगी इसके अंदर, इस अवस्था में वृत्तीय गति के लिए आवश्यक जो बल होगा अपना, उसको अपन क्या कहेंगे? अभिकेंद्रीय बल कहेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स कहेंगे, ठीक है। डेफिनेशंस क्या है? देखो, ऊपर आप लोगों को लिख रखी है कि एम द्रव्यमान का पिंड आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में गति करता है, तो उसका कोणीय वेग क्या है? ओमेगा है। इस अवस्था में वृत्तीय गति के लिए आवश्यक बल को अपन क्या कहेंगे? अभिकेंद्रीय बल कहेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अभिकेंद्रीय बल को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपेटल फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अपने पास क्या क्या है? एम है, आर है, और क्या है? ओमेगा है, ठीक है। अब कैसे करेंगे? देखो, इसको रिप्रेजेंट एम वी स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि वी इक्वल कितना होता है यहाँ पे? ओमेगा आर। मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया? इस ओमेगा आर की जगह यहाँ पे क्या पुट कर दिया? वी पुट कर दिया। ओमेगा भी यहाँ पे है, आर भी यहाँ पे। डेफिनेटली बात है कि इस डायग्राम से ही अपना जो अभिकेंद्रीय बल का जो फॉर्मूला निकल के आएगा, वो कहाँ से निकल के आएगा? इस वाले डायग्राम से ही निकल के आएगा। तो देखो, मैंने इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, चूँकि वी इक्वल यहाँ पे क्या होता है? ओमेगा आर होता है। तो चलो, इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, एम अपॉन आर ओमेगा आर, ठीक है। आ जाओ जी। हाँ, अब अपन बात करते हैं, ये अपने पास क्या हो गया? अभिकेंद्रीय बल, या फिर इसको ऐसे कर दो, चलो ठीक है। ये अपने पास क्या हुआ? सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके जी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि अपने पास सेंट्रीपेटल फोर्स तो आ गया, पर सेंट्रीपेटल पेटल एक्सीलरेशन अपन कैसे निकालेंगे? तो देखो, अगर मैं, मान लो, आप लोगों से पूछूं कि
ये जो m द्रव्यमान का अपन ने लिया था, यहाँ पे एक अपन फ्रेम ले लेते हैं, और फ्रेम कौन सा लेंगे, s डैश लेंगे। क्या लेंगे, जो m द्रव्यमान का अपन ने पिंड लिया था वहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, एक फ्रेम ले लेते हैं s डैश। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे बताओ ये जो पिंड है इस तंत्र में इस पिंड के साथ घूम रहा है, मतलब ये जो तंत्र है ये इस पिंड के साथ क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो इसका त्वरण कितना होगा। अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे फोर्स अपन ने निकाल लिया है, इसी डायग्राम से अपने को क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। अगर त्वरण निकालना है तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे अपने पास क्या होना चाहिए, एक फ्रेम जरूर होना चाहिए, या तो वो आप ऐसे ले सकते हो या फिर वो आप क्या कर सकते हो, ऐसे डैश ले सकते हो। तो यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया, कौन सा फ्रेम लिया, एस डैश ले लिया। ठीक है, अब देखो इसमें जो त्वरण होता है ना, किसमें, ये जो तंत्र है इस पिंड के वृत्तीय पथ में जो गति कर रहा है इसके ऊपर जो त्वरण होते हैं वो दो त्वरण लगते हैं। कितने त्वरण लगते हैं, दो प्रकार के त्वरण लगते हैं, एक लगता है रेखीय त्वरण और एक लगता है अपना कौन सा त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे रेखीय त्वरण की अपन बात नहीं करेंगे, क्यों, केवल बात करेंगे अभिकेंद्रीय त्वरण की, क्योंकि रेखीय त्वरण जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वेग पर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेग के ऊपर। आप लोगों को पता है कि अपन जब भी पीछे बात करके आए हैं कि फ्रेम अपन ने कौन सा लिया था, एस डैश लिया था, तो उसके अंदर जो भी वी नियत, जो वी वेलोसिटी जो ली थी वहाँ पे कौन सी ली थी, कांस्टेंट ली थी। अगर यहाँ पे रेखीय वेलोसिटी की अपन या रेखीय एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे वो जो वी है वो क्या होगा, सॉरी रेखीय वेग जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वी के ऊपर डिपेंड करेगा, और वी यहाँ पे पहले से अपन क्या लेके रखते हैं, कांस्टेंट लेके रखते हैं, तो वहाँ पे वी का मान कितना हो गया, जीरो हो गया, तो रेखीय वेग भी कितना हो गया, जीरो हो गया। इसलिए यहाँ पे अपन रेखीय वेग की बात नहीं करेंगे, बात किसकी करेंगे, अभिकेंद्रीय त्वरण की बात करेंगे। अब देखो अभिकेंद्रीय त्वरण कहाँ होगा, केंद्र की ओर होगा, ये जो अभिकेंद्रीय त्वरण लगेगा ये कहाँ होगा, केंद्र की ओर होगा। इसका मतलब है तंत्र एक त्वरण से गति कर रहा है, क्या है, इसका मतलब है कि ये जो तंत्र है ये एक त्वरण से क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और उस त्वरण को अपन ने क्या नाम दे दिया यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, उस त्वरण को अपन ने यहाँ पे क्या नाम दे दिया, ओमेगा स्क्वायर आर नाम दे दिया। क्या आपने पढ़ा था कि कोई तंत्र एक निश्चित त्वरण के साथ गति करता है, पीछे आप लोगों फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ चुके हो, क्या आप लोगों ने वहाँ पे ऐसे पढ़ा था कि कोई तंत्र जब एक निश्चित त्वरण से गति करे तो वो त्वरण कौन सा होगा, सॉरी वो फ्रेम कौन सा होगा, कौन सा होगा, अजड़त्व निर्देश तंत्र होगा। तो ये जो त्वरण होगा, एक्सेलरेशन होगा या फिर अभिकेंद्रीय जो त्वरण होगा वो भी कैसा होगा, एक अजड़त्व अभिकेंद्रीय त्वरण होगा। क्लियर है यहाँ तक, तो देखो अब यहाँ पे अभिकेंद्रीय त्वरण को अपन कैसे लिख सकते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स को यहाँ पे कैसे लिख देंगे अपन, ओमेगा स्क्वायर आर, कैसे लिख देंगे, ओमेगा स्क्वायर आर। अब आप लोगों को एक कंडीशन पता है कि जब भी अपन फोर्स निकालते हैं तो क्या आता है, एफ इक्वल एम ए। जब अपन फोर्स की बात करते हैं, सॉरी ये यहाँ पे है एक्सेलरेशन, ओके, हाँ जी, ये लो समझ जाना इतने से, है ना, जब भी अपन फोर्स निकालते हैं तो आप उसके अंदर पढ़ के आए थे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कि एफ इक्वल क्या होता है, एम ए होता है। अगर यहाँ से अपने को एक्सेलरेशन चाहिए तो अपने पास क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए होगा कि नहीं होगा, तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एम
एक्सेलरेशन अपने पास कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर, है कि नहीं है? है। अब मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, ये क्या हो गया एम और ये एक्सेलरेशन हो गया, यहाँ से मेरे को निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो अपने पास क्या बच जाएगा, देखो एम ओमेगा स्क्वायर आर अपोन नीचे क्या है, या फिर यूँ मानो ये जो ओमेगा स्क्वायर आर है इसको अपन ऊपर नीचे क्या कर देंगे, एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देंगे अपन इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। तो फिर अपने पास क्या आ जाएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स आ जाएगा, या फिर कोई दिक्कत नहीं, आप तो इसको ऐसे ही समझ लो कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन अपने पास क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर होता है, क्लियर है। पर याद रखना हमेशा कि अभिकेंद्रीय जो त्वरण होता है उसकी दिशा कहाँ होती है, केंद्र की ओर होती है, और ये जो कोणीय वेग है ना ये यहाँ से वेग करता हुआ इस डायरेक्शन से आके कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन पे। अब एक ये चीज़ बेसिक सी बात है कि मान के चलना आप लोग कि अभिकेंद्रीय त्वरण जब भी अपन बात करेंगे या फिर पूछेगा कि अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा कहाँ होती है तो कहाँ लिखोगे, अभिकेंद्रीय त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होती है। ये लो जी, ठीक है। ओके, ये अपना क्या हुआ यहाँ पे, घूर्णन गति में आभासी बल, क्लियर है। चलो अब अपन बात करेंगे एक नए टॉपिक की, टॉपिक कौन सा लेंगे अपन, कोरियोलिस फोर्स। आ जाओ जी, अब अपन क्या ले लेते हैं अपना टॉपिक अगला, कोरियोलिस फोर्स। देखो एक चीज़ और है यहाँ पे, सॉरी ये तो था अपना कौन सा था, अभिकेंद्रीय बल था, सेंट्रीपेटल फोर्स था। अब अपने पास एक अपकेंद्रीय बल भी होता है, क्या होता है, एक अपकेंद्रीय बल भी होता है। देखो मान लो ये क्या है अपना, या फिर माना किसी बिंदु पी पर एक तंत्र एस है, मान लो इमेजिन कर लो एक बार आप लोग, माना बिंदु पी पर एक तंत्र कौन सा है, एस डैश है, यहाँ एस डैश का त्वरण क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर होता है। ये देखो इस वाले का त्वरण अपन ने यहाँ पे क्या निकाला था, ओमेगा स्क्वायर आर निकाला था। तो क्या बोल रहा है, देखो यहाँ एस डैश का त्वरण क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर होता है, जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, क्या जिसकी दिशा केंद्र की ओर होगी, यहाँ एस डैश क्या है, त्वरित है। अभी पीछे मैंने आप लोगों को बताया था कि अजड़त्व अभिकेंद्रीय त्वरण है, अजड़त्व अभिकेंद्रीय निर्देश तंत्र है, बोला था कि नहीं बोला था। तो उसके लिए अपन इसको क्या कर देंगे कि यहाँ पे एस डैश जो है वो त्वरित है। ध्यान से सुनना, बात कर रहे हैं अपन दूसरे बल की, कौन सा, अपकेंद्रीय बल, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, देखो यहाँ एस डैश का त्वरण कितना हो जाएगा, इस वाले का त्वरण ओमेगा स्क्वायर आर है, जिसकी दिशा केंद्र की ओर होगी, यहाँ एस डैश क्या है, त्वरित है, तो यह अजड़त्व तंत्र होगा। अगर यह त्वरित होगा किसी त्वरण से, किसी एक निश्चित दिशा में त्वरण से गति करेगा तो यह क्या हो जाएगा, अजड़त्व निर्देश तंत्र होगा। तो यहाँ एक आभासी त्वरण वास्तविक त्वरण की विपरीत दिशा में होगा। क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे ये जो इधर लग रहा है, कल मैंने आभासी बल आप लोगों को पढ़ाया था, आभासी बल क्या होता है, वास्तविक दिशा के विपरीत में जो बल लगता है उसको आप क्या बोलते हो, पिशुडो फोर्स बोलते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाए, तो यहाँ एक आभासी त्वरण जो है वो वास्तविक त्वरण की विपरीत दिशा में होगा, इस त्वरण को आप क्या कह दोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह दोगे, ठीक है। क्या कहोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहोगे, अब केंद्रीय बल कहोगे। तो अब केंद्रीय बल को आप किससे रिप्रेजेंट कर दोगे, देखो चलो जी
अच्छा जी, यहाँ पे वी स्क्वायर था ना, तो ये लो भाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ये लो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। अच्छा जी, ये क्या हो जाएगा, सेंट्री फिगर फोर्स। सेंट्री फिगर फोर्स कितना हो जाएगा अपने पास, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होगा। क्यों, क्या बोला था, सेंट्री फिगर की बात कर रहे हैं। सेंट्री फिगर होता क्या है वैसे, अपकेंद्रीय क्या होता है, जो अभिकेंद्रीय बल जो होता है ना उसकी विपरीत दिशा में होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो अपन ने फ्रेम लिया था, ये क्या एक निश्चित त्वरित, मतलब ये त्वरित है, अगर ये त्वरित होगा तो इसके ऊपर ये जो केंद्र की ओर जो बल लग रहा है, अगर अपकेंद्रीय बल की बात करेंगे तो ये कौन सा बल है, वास्तविक बल है। और आभासी बल क्या होता है, हमेशा वास्तविक बल के क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। अगर ये वैल्यू यहाँ पे किस में है, पॉजिटिव में है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में किसकी आ जाएगी, किसकी आ जाएगी, सॉरी ये फोर्स नहीं, ये एक्सेलरेशन है। क्या है, एक्सेलरेशन है, एलो जी। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ओके, और फोर्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऊपर क्या था, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये भी क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। दिशा केंद्र से कहाँ होगी, इसके अंदर कहाँ थी, अंदर अपकेंद्रीय बल के अंदर कहाँ थी, सेंटर की तरफ थी। अभिकेंद्रीय बल की जो डायरेक्शन थी वो कहाँ थी, केंद्र की, सेंटर की ओर थी। ठीक, अब केंद्रीय बल की कहाँ होगी, सेंटर से बाहर की ओर होगी। तो इसको आप क्या बोल दोगे, दिशा कहाँ होगी, केंद्र से बाहर की ओर। ये लो जी, यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा, देखो बेसिक सी चीज़ है, वैसे कुछ भी नहीं है, सबको हटा दो, अपने को बात किसकी करनी है, बस अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करनी है, और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की बात करनी है। तो देखो कोई दिक्कत ना है, पीछे अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आई हो तो देखो याद कर लो, बस कुछ नहीं है। सेंट्रीपेटल फोर्स और ये ही एक्सेलरेशन, और ये क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। ओके, अब ये दो चीज याद रख लो, ये दोनों चीज अपने आप आपको याद आ जाएगी। तो ये क्या था, फोर्स कितना था यहाँ पे, एम ओमेगा स्क्वायर आर था, एक्सेलरेशन कितना था, ओमेगा स्क्वायर आर था। इन दोनों की डायरेक्शन कहाँ थी, सेंटर की ओर थी। तो ये क्या हो जाएंगे, विपरीत दिशा में हो जाएंगे, दोनों ही विपरीत दिशा में होंगे। ये लो, इनके डायरेक्शन कहाँ थी, सेंटर से बाहर की ओर, और ये कहाँ था, सेंटर के अंदर। ये लो जी, कुछ नहीं है, बस चार चीज याद रख के चल लेना, बाकी सब ओके है। चलो जी, ये क्या था, घूर्णन गति में पिछड़ो फोर्स था। चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, कि घूर्णी निर्देश तंत्र एवं कोरियोलिस फोर्स। अब अपनी न्यू हेडिंग स्टार्ट होती है, घूर्णी निर्देश तंत्र एवं कोरियोलिस फोर्स। घूर्णी निर्देश तंत्र एवं कोरियोलिस कोरियोलिस फोर्स, ये लो जी,
अब बात करते हैं घूर्णी निर्देश तंत्र क्या होता है। पृथ्वी घूम रही है, क्या हो रहा है, बात किसकी करने है, घूर्णी निर्देश तंत्र की। पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी पर क्या है, अपन खड़े हैं। अब पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी के साथ साथ अपन भी तो घूम रहे हैं। अपने को चाहे वो चीज़ महसूस मत हो कि हाँ अपन घूम नहीं रहे हैं, पर क्या हो रहा है, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी पर अपन रहते हैं, अपन खड़े रहते हैं, तो अपन भी क्या करते हैं उसके साथ रोटेट करते हैं। फिर भी हम क्या हैं, हमें महसूस ना हो फिर भी अपन क्या हैं, घूर्णी निर्देश तंत्र है, ठीक है। घूमने वाले पर क्या होते हैं, दो फोर्स लगते हैं। घूमने वाले पर कितने फोर्स लगते हैं, दो। कौन कौन से, एक होता है अभिकेंद्रीय और दूसरा होता है कोरियोलिस फोर्स। क्या होता है, एक पर होता है अभिकेंद्रीय बल और दूसरे पर कौन सा होता है, कोरियोलिस फोर्स। क्लियर है कि घूर्णी निर्देश तंत्र क्या होता है। अपने को महसूस मत हो फिर भी अपन क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं, तो अपन क्या हैं, घूर्णी निर्देश तंत्र है। घूर्णी निर्देश तंत्र करने वाले पे दो फोर्स लगते हैं, कौन कौन से, एक लगता है अभिकेंद्रीय बल और एक लगता है कोरियोलिस फोर्स। क्लियर है, आ जाओ। माना अपने पास क्या है, कोई एक फ्रेम है, क्या बोल दिया इसको, एस बोल दिया, ठीक है। ये लो जी, ये एक्स, ये वाई एंड ये जेड। इसमें किसी बिंदु पी के निर्देशांक कितने हैं, ये कोई बिंदु पी ले लिया, इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, एक्स वाई जेड, ठीक है। समय टी इक्वल जीरो पर ये फिलहाल क्या है, यहाँ पे अकेला है। क्या बोला, माना एक स्थिर निर्देश तंत्र एस है, इसमें किसी बिंदु P के निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अक्ष Y Z। मान के चलना कि ये S फ्रेम जो है ये क्या है, यहाँ पे स्थिर है, ठीक है। अब कंडीशन आ रही है इसके अंदर कि T इक्वल जीरो पर एक अन्य तंत्र S डैश भी आ जाता है। कौन सी कंडीशन पर, T इक्वल जीरो पर एक अन्य निर्देश तंत्र भी आ जाता है, जिसको अपन क्या नाम देंगे, एस डेस नाम देंगे। मान लो ये निर्देश तंत्र मैंने यहाँ पर शो कर दिया, ठीक है, कहाँ पर शो कर दिया, यहाँ पर, हाँ, पर ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के संपाती हैं। ये लो जी, इसको मैंने नाम दे दिया एस डेस। इस वाले को एक्स डेस, वाई डेस और जेड डेस मत दो, एक बार बात कर लेंगे आगे कि क्यों नहीं दे रहे। देखो यहाँ पे क्या है, तंत्र एस व एस डेस दोनों क्या है, एक दूसरे के संपाती है। क्लियर है यहाँ पे, चलो अब क्या करते हैं अपन, एक कंडीशन तो इसकी ये आ गई, ये कब कंडीशन आई इसकी, टी इक्वल जीरो समय पर आई। अब ये बात बोल रहा है कि समय बढ़ने पर एस डेस जो है क्या है, अगर इसका अपन ये समय इंक्रीज कर देंगे तो ये जो एस डेस है ये वामाव्रत, वामाव्रत घूम दिशा में ओमेगा कोणीय वेग से क्या करने लग जाता है, घूमने लग जाता है, ठीक है। अभी तो ये मैंने आप लोगों को एक कंडीशन बताई है कि t इक्वल जीरो समय पर ये जो दोनों हैं फ्रेम s पर s डैश दोनों क्या रहेंगे, संपाती रहेंगे। जैसे जैसे t इंक्रीज होता रहेगा वैसे ये जो s डैश है, s तो स्थिर है, पहले से अपन ने स्थिर रखा है, s डैश जो है वो वामाव्रत ओमेगा कोणीय वेग से क्या करने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा। तो चलो आ जाओ इसको घुमा देते हैं अपन, देखो एक बार, ये क्लियर है यहाँ तक, चलो ये लो, ये तो अपना वही फ्रेम है जो क्या है, स्थिर है। ये अपन ने कोई पॉइंट पी लिया था यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, एक्स वाई जेड थे, ये क्या है, एक्स वाई एंड जेड। यहाँ पे इसके एकांक सदिश क्या हो जाएंगे, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगी, आई कैप, इसकी क्या हो जाएगी, जे कैप, और इसकी क्या हो जाएगी, के कैप, ठीक है। हाँ जी, इसके ओरिजिन पॉइंट से इसको मिला दो एक बार, चलो इसको भी मिला दो। ये कंडीशन थी टी इक्वल जीरो पर, अब अपन कंडीशन ले रहे हैं समय टी पर, या फिर टी पर देख लो, ठीक है, आ जाओ। अब टी पर ये क्या बोल रहा है,
कि ये जो एस डिस है ये वामावृत दिशा में ओमेगा कोणीय वेग से क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। तो इसको घुमा दो फिर, ये लो ये लो और ये लो, ये क्या हो गया एक्स डैश वाई डैश एंड ए जेड डैश। तो इसके कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे क्या हो गए, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब बात करते हैं, ये ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है, देखो यहाँ पे यूं लगा दो ओमेगा कोणीय वेग, ये लो जी ठीक है। चलो एस डिस तंत्र में टी समय के बाद बिंदु पी के निर्देशांक कितने हो गए, एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। तंत्र एस व एस डैश में ओ व ओ बिंदु के, अब इनके बिंदु भी अलग अलग होंगे, ये ओ और ये ओ डैश। यहाँ तंत्र फ्रेम एस व एस डैश में ओ व ओ डैश के सापेक्ष पी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये किसके सापेक्ष था, एस के सापेक्ष था, और ये किसके सापेक्ष हो जाएगा, एस डैश के सापेक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने फ्रेम एस के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर क्या रख दिया, आर वेक्टर, और फ्रेम एस डैश के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर क्या रख दिया, आर वेक्टर डैश रख दिया, ठीक है। यहाँ एस डैश तंत्र ओमेगा कोणीय वेग से क्या करता है, ये जो एस डैश फ्रेम था वो ओमेगा कोणीय वेग से क्या हो गया, घूम गया। तो अक्षों को दिशा परिवर्तित होगी, आप लोगों को भी पता है ये इसकी एक्स एक्सिस थी, ये अभी तो दोनों यहाँ पे क्या है संपाती है, इसलिए इसकी जो एक्सिस होगी उनमें कोई भी क्या होगा परिवर्तन नहीं आएगा। अगर जब ये रोटेट ही करने लग जाएगा तो इसकी जो एक्सिस आएगी ना एक्स एक्सिस एक्स डैश और वाई डैश और जेड डैश वो भी क्या होने लग जाएंगी, परिवर्तित होने लग जाएंगी। तो एकांक सदिश जो आएंगे ना इनके वो समय के साथ क्या होंगे, परिवर्तित होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। अरे भाई जब टी समय पर ही अपन सारी कंडीशन ले रहे हैं, टी समय पर ही फ्रेम एस डैश जब रोटेट कर रहा है तो ये सारी जो प्रोसेस होगी, अक्ष डैश की यूनिट वेक्टर कितनी होती है आई कैप, इसकी क्या होती है जे कैप डैश, और इसकी क्या होती है के कैप डैश। जब ये खुद ही रोटेट करेगा तो इसकी जो यूनिट वेक्टर है वो इसी समय के साथ क्या होने लग जाएगी, परिवर्तित होने लग जाएगी। परंतु आई कैप और जे कैप और के कैप यहाँ पे क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रेम ही जब स्थिर है तो इसके यूनिट वेक्टर कैसे चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती है। जो चेंज हो रहा है उसके यूनिट वेक्टर यहाँ पे चेंज होगी, एस वाले की यूनिट वेक्टर चेंज नहीं होगी, और एस डैश वाले की यूनिट वेक्टर समय के साथ परिवर्तित होती रहेंगी। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब अपन बात करते हैं, ओमेगा कोणीय वेग से गति कर रहा है, कोणीय वेग है तो थीटा इक्वल क्या कर देते हैं यहाँ पे टी पर, क्यों, थीटा तो अपन ने इस एंगल को मान लिया। अब गति किस वेग, कौन से वेग से गति कर रहा है, ये ओमेगा से, तो ओमेगा लिख दिया। कौन सी कंडीशन के ऊपर कर रहा है, टी समय पर कर रहा है, तो क्या लिख दिया टी, तो थीटा इक्वल क्या आ गया यहाँ पे ओमेगा टी। अब आप लोग जानते हो कि आर वेक्टर इक्वल क्या होता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड की कैप, ऐसे ही आर वेक्टर डैश इक्वल आप लोग जानते हो क्या होता है, अक्ष डैश आई कैप डैश वाई डैश जे कैप डैश जेड डैश के कैप डैश, इसको इक्वेशन नंबर दे दो दो। क्लियर है? यहां क्या कर देंगे, ओ ओ डैश पी इक्वल ओ पी, क्या कर देंगे देखो यहाँ पे ओ वेक्टर डैश पी इक्वल ओ वेक्टर पी, या फिर ओ पी का ओ वेक्टर पी, ठीक है जी। अब मैंने ये क्या किया यहाँ पे,
अगर फ्रेम ही दोनों अलग अलग है, संपाति तो नहीं ले रखा है, अगर संपाति नहीं ले रखा है तो इसका ओरिजिन पॉइंट दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, और दोनों का पोजिशन वेक्टर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, ओ डैश पी इक्वल ओ पी। ओ डैश पी का आप लोग जानते हो कि पोजिशन वैक्टर क्या है, आर वैक्टर डैश है, और ओ पी का भी आप लोग जानते हो कि क्या होता है, आर वैक्टर होता है। क्लियर है यहाँ तक, इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप लोग 3। ठीक है, अब समीकरण 3 के आधार पर अपन कह सकते हैं कि स्थिति घूर्णी तंत्रों में एक इनवेरिएंट राशि है। जब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाली डैश वाला बिना डैश वाले के अगर बराबर होगा तो वो कंडीशन अपनी क्या कहलाएगी, इनवेरिएंट राशि कहलाएगी। तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टॉपिक क्या बोल देंगे, समीकरण 3 के आधार पर हम कह सकते हैं कि स्थिति घूर्णी निर्देश तंत्र इनवेरिएंट राशि है। क्या बोल देंगे, इनवेरिएंट राशि है। ओके, क्लियर है भाई यहां तक सबको। अब अपन इसी इक्वेशन से क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालेंगे। इसी इक्वेशन से क्या निकालेंगे अपन, कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन 3 से क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, वो अपन निकालेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय श्री कृष्णा।